दोस्तों, मैं रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हो। दोस्तों, आज का टॉपिक है रैबिट लेग फ्रैक्चर, खरगोश के पैर टूट जाने पर घर पर प्लास्टर कैसे चढ़ाएं। आज इस टॉपिक पर विस्तृत रूप से चर्चा होनी है। एक वीडियो पहले हम अपलोड कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों के पर डे कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे खरगोश का पैर टूट गया है, जो वीडियो आपने लेग फ्रैक्चर का प्लास्टर का बना के डाला है उस पर और अधिक इन्फॉर्मेशन डाल के आप लोग आपसे दोबारा से अपलोड करिए। कई सारे लोगों ने से हमने दूसरे वीडियोस के लिए प्रॉमिस किया था, लेकिन इस गंभीर समस्या के उपचार के लिए हमने उन वीडियोस को रोक कर ये वीडियो दोबारा से शूट किया। आज मौके से एक खरगोश का लेग भी फ्रैक्चर हो गया, तो हमने सोचा चलिए आज इस वीडियो को हम लोग बना के अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि हमारे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारे लगभग हर एक वीडियोस को पूरा देखते हैं, जिनका नाम है गेमर विद मयंक 2.0। इनका एक खुद का यूट्यूब चैनल है, आप उनका जो गेमिंग के वीडियोस हैं या उनके चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं और आप लोग जाकर गेमिंग के जो उनके वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। और दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियोस की तरफ। और जो आप लोगों के रैबिट का लेग फ्रैक्चर हो गया, किन किन बातों को आपको स्पेशली तौर पर ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे, जब भी आपको पता चल गया आपके रैबिट का लेग फ्रैक्चर हो गया है, तुरंत दूसरे खरगोशों से अलग उसको अलग एक सेपरेट केज रख देंगे। अब कम से कम आपको 2 से 3 लोगों की व्यवस्था कर लेनी है, कम से कम 3 लोगों की व्यवस्था कर लेनी है आप जिस खरगोश जब आप अपने खरगोश के पैर में प्लास्टर करने जा रहे हैं। तो किन किन चीजों की प्रमुख आवश्यकता है उसको सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंड, जो कि इंसान के हाथ पैर टूट जाने पर एक प्लास्टर बैंड आता है जिसको पानी में भिगो कर चढ़ा देते हैं और हल्का हल्का रब रब कर देते हैं और वो प्लास्टर 10 मिनट में पक्का हो जाता है। वो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंड लाना है। आप कोशिश करिए कि 2 इंच वाली जो पट्टी है वो मिल जाए, अन्यथा मार्केट में इजिली 4 इंच वाली पट्टी अवेलेबल होती है। अब आप लोगों को वो मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी जो इंसान को यूज होती है, वही वाली पट्टी लानी है। वो तकरीबन 70 से 80 रुपए में आपको एक प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंड बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगा। अब दूसरी चीज, मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन। मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन 1 ml आपको खरगोश को देना है, वो आपको कैसे देना है आगे बताएंगे। और तीसरी चीज जो आपको लेनी है, एक कैंची, छोटी कैंची इतनी बड़ी। वो 3 चीजें प्रमुख जो है वो आप लोगों को व्यवस्था करनी है। अब सबसे पहले जिस खरगोश का पैर टूट गया उसको प्लास्टर करने जा रहे हैं हम, तो उसको प्लास्टर जब करेंगे तब पहले से उसको हम 2 से 3 लोग पकड़ लेंगे। जहां पर उसके लेग व्यू फ्रैक्चर है वहां पर इधर से और इधर से अच्छी तरीके से बालों की सफाई कर लेंगे, कैंची से बिल्कुल बाल छोटे छोटे करके बिल्कुल खत्म कर देंगे, इतने छोटे बाल काटेंगे ताकि प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंड आसानी अच्छी तरीके से पकड़ ले। जब पूरी तरीके से बाल कटे नहीं होंगे तो प्लास्टर चढ़ने के बाद हल्का हल्का फूला फूला रह जाएगा, फिर खरगोश का पैर जुड़ने में दिक्कत होगी। अब जब आपने अच्छी तरीके से बालों को खरगोश के काट दिया है, 2 से 3 लोग खरगोश को पकड़ेंगे, 1 लोग खरगोश के पैर की हड्डी इस तरह बैठा के पकड़ेंगे। इस तरीके से हड्डी खरगोश के पैर की बैठनी चाहिए, यदि अच्छी तरीके से नहीं पकड़ेंगे तो इस तरीके से हड्डी चढ़ जाने के बाद प्लास्टर बैंड चढ़ जाएगा तो आपके खरगोश का पैर टेढ़ा ही जुड़ जाएगा। तो आप सब लोग इस तरीके से सबसे पहले एक लोग इस तरीके से दोनों साइड से खरगोश के पैर की हड्डी पकड़ लेंगे, फिर एक लोग इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंड चढ़ाएंगे। और जब खरगोश के प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंड चढ़ गया है, अब उसके बाद मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन 1 ml खरगोश के दर्द, चोट, सूजन, बुखार के लिए करीबन 8 से 10 दिन उसको पर डे 1 ml इंजेक्शन देते रहिए और कोई दवा देने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। अब उसको उठा के उसके केज में सेपरेटली रख दीजिए, खरगोश के पास छोटी कटोरी में खाना और पानी रख दीजिए, थोड़ा सा ग्रीन फीड भी डाल दीजिए। वो उठकर नहीं खा पाएगा, कुछ दिनों तक वैसे ही खाएगा, 1 महीने के बाद उसके बाद आपके उस खरगोश के जो प्लास्टर आपने चढ़ाया उसको काट देंगे, फिर उसके बाद हल्की हल्की आयोडेक्स की मालिश करते रहेंगे। अगले 2 से 3 महीने में घर पर ही आपका खरगोश पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। और देखिए, अब हम लोग चलते हैं आगे अपने वीडियो में और दिखाते हैं कि कैसे खरगोश के घर पर आप लोग प्लास्टर चढ़ाएंगे। अब हम चलते हैं अपने खरगोश को, हमने अपने खरगोश को बेहोश कर दिया है डॉक्टर के परामर्श से, हमने और कई बार इसी तरीके से अपने खरगोश को सही किया है। आप लोगों को बेहोश करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी जानकारी भी हम यूट्यूब पर नहीं दे सकते हैं और आप लोग उसको कोई भी जरूरत नहीं बेहोश करने की। 2 से 3 लोग पकड़िए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंड चढ़ाइए। चले चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से आप लोगों को अपने खरगोश के घर पर ही प्लास्टर करना है। सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर पैर इस खरगोश का देखिए यहाँ से टूटा है,
ये देखिए यहाँ से इस खरगोश का ये जो पैर है यहाँ से टूट गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले प्लास्टर करने से पहले हम यहाँ पर जो खरगोश के बाल हैं उनको अच्छी तरीके से दूर से थोड़ा काट देंगे और ध्यान रखेंगे बाल काटते समय खरगोश की स्किन जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से कटनी नहीं चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और जहां पर भी पैर टूटा है वहां से दूर दूर तक जो बाल हैं उनको बिल्कुल अच्छे से काट देना है। अभी हमारा खरगोश बिल्कुल बेहोश है और आप लोगों को खरगोश को बेहोश करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग लगभग 2 से 3 लोग पकड़ के खरगोश को और उसके बाल इस तरीके से आप लोग काटेंगे। और बाल काटते समय ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि खरगोश की स्किन बिल्कुल भी कटनी नहीं चाहिए और बाल पूरी तरीके से अच्छे से सफाई करनी है। यदि बाल अच्छे से सफाई नहीं हुई तो प्लास्टर अच्छे से उसको पकड़ेगा नहीं, इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल जल्दबाजी ना करते हुए खरगोश के पैर को अच्छी तरीके से बालों से हटा देंगे। देखिए अब लगभग लगभग हमने अच्छी तरीके से खरगोश के जो बाल हैं उनको पूरी तरीके से हटा दिया है। अब आप देखेंगे हमारे खरगोश का पैर यहाँ से टूटा है। ये देखिए यहाँ से खरगोश का पैर जो है वो टूट गया है। तो अब हमको करना क्या है, देखिए पेरिस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंड, एक पट्टी लेनी है प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंड की जो कि आपको 80 रुपए की मिल जाएगी। और ये इंसानों वाली पट्टी है, ये जानवर वाली पट्टी नहीं है। ये जो इंसान के प्लास्टर करने वाली प्लास्टर ऑफ पेरिस पट्टी आती है वो लेंगे और इसको 20 से 2 हिस्से में काट लेंगे। जैसा कि हम काट रहे हैं आप लोग देख रहे हैं, हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंड की पट्टी को ले लिया है और अब इस पट्टी को ऊपर देखो, अब इस पट्टी को ऐसे हम लोग लपेट लेंगे और लपेटने के बाद खरगोश के जहां पर भी पैर में प्लास्टर करना है उसको वहां पर, अभी हमें लग रहा है थोड़े बाल और हैं जिनको हमें साफ कर लेना चाहिए। चारों तरफ से अच्छी तरीके से बिल्कुल जो बाल हैं उनको साफ कर लेना है आपको। हमका दूर से दिखा दे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे खरगोश का पैर यहां से टूटा है, अब उसको जोड़ना है। इस काम को करने के लिए आप कम से कम 3 से 4 लोग लगेंगे। एक लोग खरगोश का पैर पकड़ेंगे, 2 लोग खरगोश को पकड़ेंगे और फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंड, ये वही बैंड है जो कि इंसान के हाथ पैर टूट जाने पर प्लास्टर करने के लिए लिया जाता है। अब इस पट्टी को देखिए, इस पट्टी को हम पानी में भिगोएंगे, सादा पानी जो हम पीते हैं, सिर्फ एक बार डुबा के निकाल लेंगे, बस इतना सा ही भिगोना है। और अब सबसे पहले हमको करना ये है कि जहाँ पर पैर टूटा है यहाँ पर, यानी हड्डी को इस तरह आमने सामने बिठा देना। यदि हड्डी सही ना बैठी तो इस तरह खरगोश का पैर जो है वो जुड़ जाएगा। हड्डी हमको इस तरह आमने सामने बिठानी है, यानी एक लोग आप इस तरीके से हड्डी पकड़ के
बैठेंगे, तब दूसरे लोग इसके ऊपर से प्लास्टर और पेरिस बैंड चढ़ाएंगे। तो हमने अपने खरगोश के पैर की जो हड्डी है वो बिठा दी है, एकदम जगह बिल्कुल सीधी हो गई है। अब इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंड हम धीमे से चढ़ा रहे हैं। हमारा खरगोश बेहोश है, इसलिए वो बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा है, और आपका खरगोश बेहोश नहीं रहेगा, इसलिए आपको बड़ी ही सावधानी के साथ, खरगोश झटका भी मारेगा इधर उधर, आपको परेशान भी करेगा, इसलिए आप लोग अब इस तरीके से हल्का हल्का रब कर देंगे। हमारे कितनी आसानी के साथ हम लोगों ने खरगोश के पैर में जो प्लास्टर है वो चढ़ा दिया है। अब इस प्लास्टर को आप ऐसे बिल्कुल इस तरीके से करीबन 10 मिनट तक पकड़े रहेंगे, वही करीब 8 से 10 मिनट के अंदर ये प्लास्टर एकदम पूरी तरीके से कठोर हो जाएगा और आपके खरगोश के पैर में प्लास्टर आसानी के साथ घर पर ही इस तरीके से हो जाएगा। 30 दिन के बाद आपको इस प्लास्टर को काट देना है और फिर खरगोश के हल्का हल्का आयोडेक्स बाम कुछ दिन तक आप लगाते रहेंगे। तकरीबन 2 महीने में आपका खरगोश पहले की तरह एकदम चलने फिरने लायक हो जाएगा। दोस्तों अब इस खरगोश को हम लगातार कुछ दिन तक, देखिए मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन 1 ml एक बड़े खरगोश को, जिसका वेट करीबन 2 से 2.5 kg के आसपास हो, 2 kg के ऊपर वाले खरगोश को मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन 1 ml लगभग लगातार 7 से 8 दिन तक देते रहेंगे। मेलोनेक्स प्लस ओरल सॉल्यूशन भी आता है, वो भी आप दे सकते हैं 1 ml, और इसको लगातार 7 से 8 दिन देंगे। खरगोश का जो दर्द है, सूजन है, चोट है, हल्का बुखार है, वो सब कुछ कवर कर लेगा। ये दर्द और बुखार दोनों पर भी कंट्रोल करेगा। कोई अतिरिक्त दवा आपको नहीं देनी है, और इस जब आपके खरगोश का प्लास्टर एकदम टाइट हो जाएगा तब इसको उठा के आप लोगों को हम केज में रख देंगे, और तब तक इसको होश भी आ जाएगा।